Hello dear students, in the last video of this chapter we have studied about capacitance of a parallel plate capacitor. The next topic of this chapter is relative permittivity or dielectric constant. देखिए इस चीज़ का मतलब क्या होता है, relative permittivity का मतलब क्या होता है. relative, जैसे कि हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक परमिटिविटी जिसको हम एप्सिलॉन नॉट के नाम से जानते हैं, इस चैप्टर की जो सबसे पहली वीडियो डाली गई थी जिसमें हमने कूलम्स लॉ के बारे में जिक्र किया था, उस टाइम पर ये क्वांटिटी आपके सामने आई थी. अब इसी में आगे चलते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी क्या होती है. लेट अस सपोज दैट वी हैव टू चार्जेस ऑफ मैग्नीट्यूड क्यू वन एंड क्यू टू एंड दे आर सेपरेटेड विद ए डिस्टेंस नेम्ड एज द डिस्टेंस आर. क्लियर, ये जो केस हमारा होगा इन दोनों चार्जेस का, इसके मीडियम हमें दोनों में अलग अलग लेने हैं. कहने का मतलब ये है कि एक बार जो पहला केस हम लेंगे उसमें क्या करना है कि दोनों चार्जेस Q1 एंड Q2 स्मॉल डिस्टेंस r के साथ में सेपरेटेड हैं, लेकिन यहाँ पर इनके बीच का जो मीडियम है उसको हमने वैक्यूम मान रखा है. ठीक है, जो सेकेंड नंबर इसके लिए केस लेते हैं, सेकेंड नंबर केस के लिए आपके जो दोनों चार्जेज हैं उनका मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, आपकी डिस्टेंस है वो बिल्कुल सेम रहेगी, लेकिन इन दोनों के बीच का जो स्पेस है इसमें हम किसी मीडियम को मान सकते हैं. मीडियम आपका ग्लास, मिका, क्वार्ट्ज, जो भी आप करना चाहें वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं. ओके, या कोई डाईइलेक्ट्रिक मीडियम अगर आप यहाँ पर मानना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. तो मैंने क्या कर रखा है, आपके सामने यहाँ पर दो इक्वेशन लिख रखी हैं, कूलम्स लॉ ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टू चार्जेस. एक कंडीशन के अंदर मैंने यहाँ पर लिखा है एफ नोट. एफ नोट मीन्स द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टू चार्जेस इन द वैक्यूम एंड एफ एम फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टू चार्जेस, टू सेम चार्जेस एंड सेम डिस्टेंस इन द मीडियम. दोनों इक्वेशंस मैंने यहाँ पर लिख रखी हैं. उसके बाद क्या किया है, ध्यान से देखिए, जब वैक्यूम की बात थी तो यहाँ पर मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक परमिटिविटी वैक्यूम वाली जिसको एप्सिलॉन नोट से लिखते हैं वो उसको लिखा हुआ है, और यहाँ पर मैंने सिर्फ एप्सिलॉन से लिखा हुआ है. दोनों इक्वेशंस के जो दोनों इक्वेशंस की जो राइट हैंड साइड है उसमें सिर्फ यही फर्क है कि एक बार यहाँ पर एप्सिलॉन नोट लिख रखा है, एक बार यहाँ पर एप्सिलॉन लिख रखा है, जो एक हमें वैक्यूम के बारे में बताने लग रही है और एक बार हमें मीडियम के बारे में बताने लग रही है. यहाँ पर क्या किया, आगे इक्वेशन वन को इक्वेशन टू से डिवाइड कर दिया गया है, और डिवाइड करने के बाद में आपके पास राइट हैंड साइड में क्या बचता है, एप्सिलॉन डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रोस्टैटिक परमिटिविटी इन द मीडियम टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक परमिटिविटी इन द वैक्यूम, और इसी को हम बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी. देखिए रिलेटिव जो वर्ड है यहां पर, वो रिलेटिव वर्ड अक्सर यूज ही वहीं होता है जब आपके कोई दो मीडियम हो और दोनों मीडियम्स के बारे में बात की गई हो. तो दोनों मीडियम के बारे में बात की तो हमारे सामने आंसर क्या आया, एप्सिलॉन डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट. तो इस क्वेश्चन को हमें अच्छे से देखना है, ये जो टॉपिक करवाया गया है ये आगे जाकर हमें हमारा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आएगा, कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर व्हेन ए कंडक्टर इज हेल्ड इन बिटवीन एंड ए डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज हेल्ड इन बिटवीन. दोनों टॉपिक इंपॉर्टेंट है और दोनों के अंदर यहां से हमारे पास ये इक्वेशन बनती है, ये इक्वेशन हमारे काम आएगी. ठीक है, आगे हम इसमें चलते हैं, ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर. देखिए कोई भी कैपेसिटर है उसको पैरेलल प्लेट कैपेसिटर मान के चलें तो उसको इस तरह से दिखाते हैं, जिसकी एक जो प्लेट होगी वो आपकी पॉजिटिवली चार्ज्ड है और दूसरी वाली नेगेटिवली चार्ज्ड है. ठीक है, अब हमें क्या करना है, इनकी ग्रुपिंग करके दिखानी है कि इनकी ग्रुपिंग करवाएंगे तो हमारे पास क्या आंसर आता है. जैसे इसकी जो ग्रुपिंग होगी वो रेजिस्टेंस के जैसी ही है, एक बार सीरीज में करेंगे और एक बार पैरेलल में करेंगे. सीरीज का मतलब क्या होता है, एंड टू एंड पॉइंट. जैसे एक कैपेसिटर हमने यहां पर बनाया, दूसरा कैपेसिटर यहां पे और तीसरा कैपेसिटर यहां पे, केवल तीन ही कैपेसिटर बना के चल लेते हैं, ज्यादा हमें बनाने की जरूरत नहीं है. ओके, माने ये आपकी प्लेट अगर पॉजिटिव है तो ये कौन सी होगी, नेगेटिव. फिर ये कौन सी होगी, पॉजिटिव. ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, और ये दोनों एक्सटर्नल सोर्स के साथ में जुड़े हुए हैं. देखिए जब सीरीज कॉम्बिनेशन की बात आती है तो सीरीज कॉम्बिनेशन में जो चीज हर कैपेसिटर के बाद में चेंज होने वाली है
वो होगा आपका पोटेंशियल, जैसा कि हमने रेजिस्टेंस वाले केस में पढ़ा था। मान लीजिए आपका कैपेसिटर C1 है, इसका C2 नाम रख लें, इसका C3 नाम रख लें। जो पहले वाला कैपेसिटर है इसका पोटेंशियल V1 के नाम से लिख देते हैं, जो सेकंड नंबर कैपेसिटर इसका पोटेंशियल V2 के नाम से, और थर्ड का V3 के नाम से। अब इसको सोल्व किस तरह से करना है तो वो ध्यान से देखें एक बार। जैसे हमने रेजिस्टेंस वाला टॉपिक किया था तो उसके अंदर तो हमने ओम्स लॉ का यूज कर लिया था, V = IR या V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, और वहां से हमारे सामने आया था V = IR। यहां पर हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, जो फॉर्मूला हम यहां पर यूज करेंगे वो फॉर्मूला होगा आपका Q = CV। जो पिछली वीडियो के अंदर हमने पढ़ा था कि जितना आप किसी कैपेसिटर को चार्ज ज्यादा देते हैं उसी के हिसाब से आपके कैपेसिटर का जो पोटेंशियल है वो बढ़ जाता है, तो ये फॉर्मूला हम यहां पर यूज करने वाले हैं। प्रोसीजर सारा का सारा वही रहेगा जो आपका रेजिस्टेंस का होता था। जो चीज चेंज होती है क्यू और वी के अंदर से, क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, क्यू और वी के अंदर से जो चीज आपकी चेंज होती है आपको उसकी वैल्यू लिखनी है। ये बात आप याद रखेंगे। जैसे अगर मान के चले यहां पर इस पहले वाले कैपेसिटर का पोटेंशियल हम लिखना चाहें तो इसकी वैल्यू क्या होगी, Q/C1, क्योंकि यहां से V की वैल्यू क्या आने लग रही है, Q/C, ये आपकी V की वैल्यू आने लग रही है, V = Q/C। तो वैसे ही हमने पहले वाला कैपेसिटर है उसके लिए पोटेंशियल लिखा V1 = Q/C1। अगर हम V2 की बात करें तो क्या वैल्यू आएगी, Q/C2। और अगर हम बात करें V3 की तो यहां पर वैल्यू क्या आ जाती है, Q/C3। और अगर हम n टर्म्स तक जाते हैं तो VN = Q/CN। इसके बाद में एक चीज आप लिखेंगे, इफ CS इज द टोटल कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन, मतलब जो भी आपका कॉम्बिनेशन है उसका टोटल कैपेसिटेंस उसको हम CS के नाम से लिख देते हैं। CS का नीचे जो छोटा सा S लगाया गया है इसका मतलब क्या होता है, कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज। ओके, देन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इस टर्मिनल इज V। अगर टोटल हम इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है अगर वो कंप्लीट का V मान के चले और CS आपका टोटल कॉम्बिनेशन हो तो V की वैल्यू क्या हो जाती है, Q/CS। ओके, इसके बाद में इसमें क्या लिखना पड़ेगा हमें, एज टोटल पोटेंशियल ड्रॉप V अक्रॉस द कॉम्बिनेशन इज द सम ऑफ V1, V2, V3 एंड अप टू VN। टोटल आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस है या टोटल आपका जो पोटेंशियल ड्रॉप है इस पूरे कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग अगर हम उसकी वैल्यू निकालना चाहें तो उसकी वैल्यू क्या होगी, V = V1 + V2 + V3 up to VN। तो यहां पर हम V की वैल्यू लिखेंगे पहले Q/CS = Q/C1 + Q/C2 + Q/C3 up to Q/CN। आप देखेंगे कि ऊपर से हम Q को कॉमन निकाल सकते हैं और निकालने के बाद लेफ्ट हैंड साइड से कट जाता है, तो आपका कॉम्बिनेशन क्या बचा, 1/CS = 1/C1 + 1/C2 + 1/C3 up to 1/CN। ये आपका रिजल्ट निकल के आता है किस चीज के लिए, व्हेन कैपेसिटर आर कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन। अगर हम पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करें तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर हमेशा पोटेंशियल की वैल्यू आपकी सेम रहेगी, लेकिन हर एक सर्किट के अंदर जो चार्ज जाता है, जो चार्ज का फ्लो होता है उसका मैग्नीट्यूड अलग अलग हो जाएगा। तो वहां पर हम चार्ज की वैल्यू को निकाल के इसी फॉर्मूले से अगर चार्ज की वैल्यू निकाल के करेंगे तो आपका आंसर आपके सामने होगा। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का आप रेजिस्टेंस का पैरेलल कर, जैसे रेजिस्टेंस वाले केस में पैरेलल किया था और जैसे इस कैपेसिटेंस का सीरीज कॉम्बिनेशन किया है, तो दोनों को अच्छी तरह से देख के आप इसको सोल्व कर सकते हैं आराम से, इसमें दिक्कत नहीं आएगी आपको कोई भी। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक है एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर, लेट अस सपोज दैट वी हैव टू प्लेट ऑफ कैपेसिटर, प्लेट वन एंड दिस इज प्लेट टू। ओके, लेट अस सपोज दैट इनिशियली द प्लेट वन एंड टू बोथ आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, मतलब दोनों के ऊपर जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। लेट दे आर सेपरेटेड बाई ए डिस्टेंस नेम्ड एज
डी, दोनों के बीच की डिस्टेंस हम यहां पे लिख देते हैं, किन दोनों के बीच की डिस्टेंस आपकी डी है। लेट स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज या स्मॉल इंस्टॉलमेंट ऑफ चार्ज नेम्ड एज डी क्यू इज ट्रांसफर टू प्लेट वन, प्लेट टू से थोड़ा थोड़ा चार्ज, इंस्टॉलमेंट का नाम रख दिया हमने डी क्यू के नाम से, थोड़ा सा चार्ज है, आप प्लेट ए की ओर ट्रांसफर करने लगे। क्लियर? देखिए, अगर आप इस चार्ज को प्लेट नंबर दो से प्लेट नंबर एक की ओर ट्रांसफर करना चाहते हैं तो आपको इसके लिए कोई काम करना पड़ेगा, और जो काम हम करते हैं हमें सिर्फ उस काम का मैग्नीट्यूड निकालना है, और अगर हम उस काम का मैग्नीट्यूड निकाल देते हैं तो वही जो आपका वर्क डन का जो फॉर्मूला आएगा वही आपकी एनर्जी होगी। दैट इज द फॉर्मूला फॉर योर एनर्जी दैट इज स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। और आप ये जरूर मान के चलें कि हर कंडीशन के अंदर जो आपका जो आपकी प्लेट ए है उसका पोटेंशियल हमेशा आपके प्लेट दो के पोटेंशियल से ज्यादा ही रहेगा, कम नहीं रहेगा। तो एक काम कर लेते हैं कि सबसे पहले हम लिखेंगे कि आपका जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल ऑफ कंडेंसनर, कंडेंसनर इसको आप लिख देते हैं Q डिवाइड बाई C के नाम से। स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन गिविंग एन एडिशन चार्ज डी क्यू टू द कंडेंसनर इज गिवन बाई, भाई वर्क डन के लिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है। देखिए, जब बात हमारे पोटेंशियल की हो, बात चार्ज की हो, तो उस टाइम पर इन दोनों के बीच में एक रिलेशन होता है, क्या? W डिवाइड बाई Q इज इक्वल टू V। ये फॉर्मूला हम स्टार्टिंग में पढ़ चुके हैं, वर्क डन डिवाइड बाई चार्ज इज इक्वल टू पोटेंशियल। इफ देर इज ए स्मॉल इंस्टॉलमेंट ऑफ द चार्ज डी क्यू देन द वर्क डन इज ऑल्सो स्मॉल इन स्मॉल अमाउंट डी डब्ल्यू, सो डी डब्ल्यू डिवाइड बाई डी क्यू इज इक्वल टू वी। आप यहां पर ये वाला फॉर्मूला लिख सकते हैं, और यहां से आपके वर्क डन की जो वैल्यू है वो क्या आ जाती है, वी मल्टीप्लाइड बाई डी क्यू, जो नीचे आपका डिवाइड में डिनोमिनेटर में आपका जो डी क्या हुआ करता था मैंने उसको यहां पर मल्टीप्लाई में लिख दिया है। हमें पता है V की वैल्यू क्या है, Q डिवाइड बाई C मल्टीप्लाइड बाई डी क्यू, और इस साइड में आपका डी डब्ल्यू चलने ही लग रहा था। ओके, अब हम क्या करते हैं, अब हम जो टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन है उसको निकालने के लिए इस पूरे इक्वेशन का इंटीग्रेशन कर देते हैं, और इंटीग्रेशन की जो लिमिट रहेगी हमारी वो क्या रहेगी, देखिए जब आपने कोई चार्ज नहीं दिया था, कोई चार्ज का ट्रांसफर नहीं हुआ था, तो उस टाइम पर आपका वर्क डन है वो जीरो था। ओके, और जिस टाइम पर आपका चार्ज कैपिटल क्यू मान के चलें, टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज जो आपको ट्रांसफर यहां से करनी है उसको कैपिटल क्यू के नाम से लिख लेते हैं, उस टाइम पे आपका जो वर्क डन था उस वर्क डन को आप डब्ल्यू के नाम से लिख सकते हैं। चलिए इसका इंटीग्रेशन करते हैं, डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन क्या होगा, डब्ल्यू, और इसकी लिमिट आपको यहां पर ऐसे लिख देनी है, जीरो टू W इज इक्वल टू वन अपॉन सी इज ए कॉन्स्टेंट टर्म, जो आपका इंटीग्रेशन होगा, आप देने क्या लग रहे थे, चार्ज देने लग रहे थे, मतलब चार्ज यहां पर एक वेरिएबल क्वांटिटी है, और वेरिएबल क्वांटिटी का ही हमें इंटीग्रेशन करना है, मतलब उसी के छोटे छोटे इंस्टॉलमेंट जो थे उनको जोड़ना है, तो क्यू इंटू डी क्यू, क्यू इंटू डी क्यू अगर इसका इंटीग्रेशन करें तो क्या होता है, क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई टू, वो हम यहां पर लिख देंगे, Q square डिवाइड बाई टू, और लिमिट आपकी जीरो से लेके कैपिटल Q तक है, तो इस साइड में आपका W रह जाता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट की वजह से, और इस साइड में वैल्यू क्या होगी आपकी, वन अपॉन C, जहां पर Q है वहां पर आप कैपिटल Q लिखेंगे, Q square डिवाइड बाई C, सॉरी टू, टू जो यहां पर है, और जीरो वाले केस में पीछे का मैटर जीरो रहेगा, तो ये हो गया आपका वर्क डन का फॉर्मूला, और इसी को हम कहते हैं एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। देखिए, ये जो फॉर्मूला आपके सामने आया है, अलग अलग फॉर्मूला को अलग अलग जगह पे हमें यूज करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास सीरीज कॉम्बिनेशन भी है और पैरेलल कॉम्बिनेशन भी है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए हम अलग फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं, पैरेलल के लिए अलग फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। अब इस इक्वेशन को मॉडिफाई कैसे करेंगे, वन अपॉन सी, क्यू के लिए फॉर्मूला है हमारा सी वी,
इसका स्क्वेयर डिवाइड बाई टू, वन बाई और वन बाई टू सी, सी स्क्वेयर इंटू वी स्क्वेयर, सी से एक पावर यहाँ कैंसिल आउट हो जाती है, आपके लिए वैल्यू बची वन बाई टू सी वी स्क्वेयर। तो ये भी एक आपका एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर के लिए फॉर्मूला जाता है। अगर और आप फॉर्मूला चेंज करना चाहें कुछ भी, तो आप एक काम करें, आप सी की जगह पे जो आपका फॉर्मूला आएगा, सी की जगह आपका फॉर्मूला आता है क्यू डिवाइड बाई वी, तो आप सी की जगह भी इसका वैल्यू चेंज करके और अगला फॉर्मूला निकाल सकते हैं। मतलब आपके पास तीन फॉर्मूले आएंगे, और जो तीसरे वाला फॉर्मूला है वो आपके पास आएगा वन बाई टू, वन बाई टू क्यू इंटू वी, ये आपका तीसरा फॉर्मूला रहेगा जब आप सी की वैल्यू को चेंज करेंगे। तो ये आपका टॉपिक था, छोटा सा, छोटा टॉपिक है लेकिन इंपॉर्टेंट है, एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। ओके, चलिए आगे चलते हैं, एनर्जी से रिलेटेड ही टॉपिक करेंगे अभी। कई बार एक नंबर का जो क्वेश्चन आता है ऑप्शन टाइप आपके एग्जाम के अंदर, उसके अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया है, कई बार आता है, एंड द टॉपिक नेम इज एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, व्हाट इज द एनर्जी डेंसिटी ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इसको जनरली यू से लिखा जाता है, और इसकी वैल्यू क्या होती है, टोटल एनर्जी डिवाइड बाई वॉल्यूम। जो टोटल एनर्जी के लिए हम जनरल फॉर्मूला लिखेंगे वो होगा आपका 1 बाई टू सी वी स्क्वायर, और वॉल्यूम हम कैसे निकाल सकते हैं, मान के चलें कि आपका जो कैपेसिटर है उसका एरिया आपका ए है, और उन दोनों के जो बीच की डिस्टेंस है वो आपकी डी है। अगर एरिया को एक थर्ड डिस्टेंस अगर आपको दी हुई है, अगर उससे हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो जनरल सी बात है कि आपकी वॉल्यूम की वैल्यू आ जाती है, तो डिवाइड क्या हो गया, ए डी। ओके, और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए आपके कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइड बाई डी, तो ये वैल्यू हम यहां पर अब पुट करेंगे, ठीक है। और वी के लिए जो फॉर्मूला हम लगाएंगे वो क्या होगा, ई इंटू डी। आपको जो मैंने पोटेंशियल ग्रेडियंट और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला था उसको एक बार पहले भी प्रूव करके दिखाया था एक वीडियो के अंदर, और जो इससे पहले वाली वीडियो थी उसके अंदर भी आपको बताया था कि पोटेंशियल को आप ई इंटू डी कैसे लिख सकते हैं, जो पोटेंशियल ग्रेडियंट का टॉपिक है वहां से हमारे पास ये वैल्यू आती है। चलिए इनकी वैल्यू लिखते हैं अब, वन बाई टू सी के लिए क्या लिखेंगे, एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइड बाई डी, और वी, और वी की जगह पे क्या लिखते हैं, ई इंटू डी, और इसका स्क्वेयर करेंगे तो इसका स्क्वेयर भी हो जाएगा और इसका स्क्वेयर भी हो जाएगा, और डिवाइड में आपका ए डी पहले से चलने लग रहा है। देखिए डी इंटू डी डी स्क्वेयर, इसको यहां से कट कर देगा, ए से यहां पर ये कैंसिल आउट हो जाएगा, आपके पास वैल्यू क्या बचती है, वन बाई टू एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वेयर। दिस इज द मैग्नीट्यूड फॉर योर एनर्जी डेंसिटी ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। आसान सा टॉपिक था, लेकिन कई बार इसके बारे में दो नंबर के अंदर इसका डेरिवेशन भी पूछ लेते हैं जो आपके सामने है, और ऑप्शन टाइप जो क्वेश्चन आते हैं उनके अंदर भी इसका जिक्र कई बार हो जाता है। ओके, चलिए थोड़ा सा अलग सा एक टॉपिक लेके चलते हैं, है इसी चैप्टर के लिए लेकिन उसका यूज हमें करना है बाद में, थोड़ा सा अलग है इन दोनों से, नॉन पोलर एंड पोलर डाइइलेक्ट्रिक्स। नॉन पोलर एंड पोलर डाइइलेक्ट्रिक्स किन को बोलेंगे, नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक्स आर दोज डाइइलेक्ट्रिक्स इन विच पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज कंसाइड एट द सेम पॉइंट। एक बार पहले भी इस चीज के बारे में बात हुई थी जब हमने पोलर मॉलिक्यूल्स और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बारे में पूछा था, तो उस टाइम पर भी इसके बारे में जिक्र हुआ था, और अब भी इसका मतलब वही चल रहा है, इसमें कोई चेंजमेंट नहीं है, बस नाम में चेंजमेंट है कि मॉलिक्यूल की जगह पर यहां पर डाइइलेक्ट्रिक लिखा हुआ है। तो आप इसमें क्या लिखेंगे, नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक्स आर दोज डाइइलेक्ट्रिक्स इन विच पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज कोइंसाइड एट द सेम पॉइंट, एंड पोलर डाइइलेक्ट्रिक्स आर दोज डाइइलेक्ट्रिक्स इन विच पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज आर सेपरेटेड बाई स्मॉल डिस्टेंस। कहने का मतलब यह है कि कौन सा
कौन सा जोड़ ऐसा होगा जो पोल जो डाइपोल बनाएगा और कौन सा ऐसा होगा जो डाइपोल नहीं बनाएगा। तो डाइपोल वो जोड़ा पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का वो जोड़ा डाइपोल नहीं बना सकता जिसके बीच में सेपरेशन ना हो, इसलिए इसका नाम हमने नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक के नाम से रखा हुआ है। और जब पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के बीच में सेपरेशन होता है तो उस टाइम पर हम इसको डाइपोल फॉर्मेशन मानते हैं और इसीलिए इनका नाम पोलर डाइलेक्ट्रिक्स लिखा हुआ है। ओके, अब जो बात है वो चलेगी नॉन पोलर के ऊपर। लेट अस सपोज दैट ए नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक इज हेल्ड इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, ए नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक इज हेल्ड इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, सो व्हाट विल हैपन, होने क्या वाला है यहां पर। जो आपकी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वजह से इस नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक का जो नेगेटिव चार्ज है वो तो आपका पॉजिटिव चार्ज की ओर अट्रैक्ट हो जाएगा और जो पॉजिटिव चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज की ओर अट्रैक्ट हो जाएगा और एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि इन दोनों के बीच में सेपरेशन हो जाता है, मतलब आपका जो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक है वो पोलर डाइलेक्ट्रिक के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो यहां पर इस नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक में जो डाइपोल मोमेंट इंड्यूस्ड हुआ है उसको आप इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट के नाम से लिख सकते हैं और उस इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट की जो वैल्यू है वो आप बिल्कुल जाहिर तौर पर ये कह सकते हैं कि वो आपकी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। जितनी ज्यादा स्ट्रेंथ आपकी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की होगी आपका इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट उतना ही बढ़िया रहेगा। ठीक है, एक तरह से इसी इक्वेशन को मॉडिफाई करके कैसे लिख सकते हैं, पी इज इक्वल टू अल्फा एप्सिलॉन नॉट ई। इस इक्वेशन को ध्यान से देखिए, ये इक्वेशन आपके बहुत ज्यादा काम आने वाली है। पी इज इक्वल टू अल्फा एप्सिलॉन नॉट ई और जो ये हमारा अल्फा है इसको बोलते हैं कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी और वैसे इसका जो नाम होगा जिससे कॉल्ड किया जाएगा ये, इसको बोलेंगे एटॉमिक और मोलिकुलर पोलराइजिबिलिटी, कॉन्स्टेंट ऑफ एटॉमिक और मोलिक्यूलर पोलराइजिबिलिटी। ठीक है, और ये जो अल्फा है अगर हम इसके डायमेंशन के बारे में बात करें तो देखिए पी तो रह जाता है हमारा ऊपर डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट एंड ई, ये वैल्यू हमारे पास आती है। क्लियर, डायमेंशन ऑफ पी जो डाइपोल मोमेंट है उसकी यूनिट क्या होती है। डाइपोल मोमेंट पी का फॉर्मूला आपको मैं एक बार याद दिलाता हूं क्या होता है, क्यू डिवाइड बाई टू ए। तो क्यू के लिए यूनिट क्या होगी, कुलाम, और डिस्टेंस के लिए होगी मीटर। तो यहां पर आप क्या लिखेंगे, कुलाम मीटर डिवाइड बाई। एप्सिलॉन नॉट के लिए हमारी यूनिट होती है कुलाम स्क्वेयर न्यूटन इनवर्स मीटर इनवर्स स्क्वायर, और आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसके लिए आपकी यूनिट होती है न्यूटन पर कूलम। अगर हम इसको सोल्व करें तो आपके पास क्या वैल्यू आएगी। देखिए अगर हम इस कूलम को ऊपर की साइड लेके जाएं तो ये आपका पॉजिटिव हो जाएगा, यहां से ये कैंसिल आउट हो गया। क्लियर, यहां से n से ये कैंसिल आउट हो गया, एक n की पावर प्लस वन है एक n की पावर माइनस वन, ये कैंसिल आउट हो गया। मीटर मल्टीप्लाइड बाई मीटर स्क्वायर क्या वैल्यू आई आपकी, मीटर क्यूब। तो आप ये कह सकते हैं कि जो आपने कांस्टेंट लिखा है जिसको आप कांस्टेंट ऑफ एटॉमिक और मोलिकुलर पोलराइजेबिलिटी कहते हैं उसका जो डायमेंशन है वो आपकी वॉल्यूम के बराबर होता है। ठीक है, और जो आपका अल्फा है इसका ऑर्डर भी दे रखा है, इसका ऑर्डर होता है 10^-29 मीटर क्यूब टू 10^-30 मीटर क्यूब, इसका ऑर्डर आप याद रखेंगे। ये भी कंपटीशन टेस्ट में और जो एनडीए वगैरह एग्जाम होता है उसके अंदर कई बार पूछा जाता है कि आपका जो मोलिकुलर पोलराइजेबिलिटी कॉन्स्टेंट है उसका ऑर्डर क्या होता है। तो ऑर्डर क्या रहेगा इसका, 10^-29 to 10^-30 मीटर क्यूब। ठीक है,
आज की वीडियो के लिए हम इतने टॉपिक कवर करेंगे, अगले जो वीडियो अपलोड की जाएगी उसके अंदर इस यूनिट के जो मेन टॉपिक बचते हैं उनको कवर कर दिया जाएगा। अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है तो आप असाइनमेंट थ्रू भेज सकते हैं। थैंक यू।